हरियाणा पुलिस ने जिला रोहतक विच महिला नाल जबर जनाह तों बाद हत्या मामले विच दो व्यक्तियों नूं गिरफ्तार किया है। सोनीपत के डिप्टी कमिश्नर के मकरंद पाडूरंग ने दस्सिया कि इस मामले विच पीड़ित परिवार ने जिला लोकां ते शक जाहिर किया है। उन्हां नूं छेती ही गिरफ्तार किया जाएगा अते परिवार नूं पूरी सुरक्षा दी जाएगी। उन्हां कहा कि सूबा सरकार ने जिला सोनीपत के पिंड कालूपुर वासी पीड़िता के नेले संबंधी नूं 10.5 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान भी किया है। जिक्र खास है कि रोहतक विच वापरे इस समूहिक जबर जनाह दे मामले विच हादसे दे शिकार होई 23 साला लड़की दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट विच उस नाल कीती हैवानियत दे खुलासे होए ने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट विच एक गल सामने आई है कि लड़की दा चेहरा, जुबान, अख ते कन्ना दी बुरी तरह काटवाट कीती गई सी। हालांकि रिपोर्ट मुताबिक उसकी मौत सिर विच लगी डूंगी सट नाल होई है, पर महिला दी खोपड़ी ते भी सट लगन दे कई निशान मिले ने। बहुत सारी इंजरीज हैं उसकी बॉडी पर जो कि एंटीमार्टम इन नेचर, रेप भी किया गया। जो कॉज ऑफ डेथ है वो हेड इंजरी से ही है, जो ईंट से जो सर जो मारा गया है, जो सर जो डिफेस किया है, सर जो कुचला गया है, जितना एविडेंस पॉसिबल जो प्राइमा फेसाई जो हो सकता था उसे कलेक्ट किया और कलेक्ट करके अक्यूज्ड को गिरफ्तार किया।